हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इंडिया। मतलब पाकिस्तान के जो स्टूडेंट बच्चे हैं वो भारत के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो पढ़े लिखे जाहिल हैं या मतलब कुछ सेंस रखते हैं, आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया यूएई में, दुबई में, वो देखें क्या कहते हैं। I mean it's a good country, good scenery and all, but like ये देख the politics are a bit messed up. पाकिस्तान is a nice place, only is the problem between the governments. इंडिया को ये कहना चाहूंगा कि वो मुसलमान हो रही है हमारे साथ आज। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मुसलमान हो रही, वो जो सी पुतों की पूजा करते हैं ना, उनको छोड़ दे। ठीक हो गया। क्या आप ये क्या इस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि इंडिया वाले मुसलमान हो जाए और पुतों की पूजा छोड़ दे, मतलब हमें तो ऐसा कहना चाहिए नहीं? नहीं, कुरान में है क्या? उनका अपना मतलब है, हमारा अपना मतलब है। हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी रिस्पेक्ट। उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहिए। जैसे हम सईदा करते हैं, उनका मोहम्मद शामी, उसने डर की वजह से क्रिकेट मैच में सईदा नहीं किया। अच्छा, वो उसको टीम में से निकाला जाएगा। अब कोई भी चाइना के बारे में तो नहीं बात कर रहा, हमें बताया गया कि इंडिया दुश्मन है, चाइना दोस्त। आपने बोला उधर नमाज और उधर सजदा, आपको पता है चाइना के मुसलमान किस हालत में? आपको पता है इस चीज का? नहीं, मुझे पता है। किस हालत में है, मुझे बताएं भाई। जिस हजियत से चाइना के मुसलमान गुजर रहे हैं ना, मुसलमान और हिंदू अभी इकट्ठे रह सकते हैं? अब तो जैसे इसके ऊपर दादा भी पहले हिंदू थे, फिर मुसलमान। आप क्या इधर आए? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जहाजेब। जहाजेब भाई, आपके अब्बू का क्या नाम है? आरफ। और उनके अब्बू का? हाजी भूटा गुजर। और उनके अब्बू का? खुशी मोहम्मद गुजर। और उनके अब्बू का? उनके अब्बू का मुझे बताना, ये नहीं कि सिर्फ बताने बताने के। यानी आप शुरू से ही मुसलमान हैं। आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद कैसा लगता है कि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, तल्लुक बेहतर हो गया? क्यों नहीं, हम नहीं कर रहे। उनकी अवाम के, उनको बड़े लोगों ने अवाम के अंदर हमारे हमारे लिए बहुत ज्यादा इख्तलाफात डाल दिए हैं, इख्तलाफात नफरत डाल दी, नफरत डाल दिया। उनको ये लगा था पाकिस्तान उनके लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन है। ये हमारे साथ जो है ना, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि इंडिया वाले आपके दुश्मन है। बड़े होके बनना क्या चाहते हो? बड़े हो बिजनेसमैन, जबरदस्त। बड़े होके क्या बनना चाहते हो, बस इतना बता दो। फौजी। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? स्टार। ओ जबरदस्त। स्टार कौन सा पसंद है? सच सच, स्टार शाहरुख खान। शाहरुख खान पसंद है। और इसके अलावा हीरोइन, हीरोइन कौन सी पसंद है? हीरोइन सिमरन। सिमरन कौन सी? जाओ उस गली में अगर तेरा जाना हुआ, जहाँ से वो गुजरे वो गुजरा जमाना हुआ। हमने तो बदलने की कोशिश कर ली, जैसे हमने अभी नंदन को वापस भेज दिया, उन्होंने उद्दुस को मार दिया। हमने नहीं, उन्होंने कब मार दिया? उन्होंने मार दिया उसको। कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं? आप अगर आपके अख्तियार में होता तो आप क्या करते? किसके मतलब कश्मीर का? कश्मीर का भाई, मेरे अख्तियार में अगर होता ना, मैं आपको बताता हूँ जो हमारे साइड में। एक मिनट मुझे मौका दे। हमारे अख्तियार में होता तो सबसे पहले जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वहाँ पे हम एजुकेशन देते, वहाँ पे हेल्थ देते। आपको पता वहाँ पे कितने स्कूल और कॉलेज हैं? इधर लाहौर में पढ़ने आते हैं बेचारे। वो जब भी पढ़ते हैं, हमारी माओ बहनों बच्चों पर जुल्म करते हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे, आप लड़ना, अगर आपने हमसे जंग करनी है तो हमें हमारे जो मर्द है उनसे करें, हम आपको नहीं रोकते। जो हमारी औरतें छोटे बच्चे उन पर जुल्म ना करें। जंग की बात आपको नहीं लगता करनी ही नहीं चाहिए? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले हम मौजूद थे यूएई अबू धाबी में, जहां पे हमने इंडियन स्टूडेंट से ये पूछा था कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं। उनका जो रिएक्शन था वो आप तक पहुँचाया। आज हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं। इंडिया के स्टूडेंट्स पे और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पे आज जो सोच का फर्क है देखने में आएगा। साथ ही साथ क्या पाकिस्तान के स्टूडेंट समझते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, इस वाले से स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रजान। आपका नाम? सलमान। और आपका नाम? असद अली। कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ। आप भी नाइन्थ में? और आप भी नाइन्थ में? आप कौन सी क्लास में? ठीक है सलमान, आगे आ जाओ। कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ। आप कौन सी क्लास में हो?
आठवीं में ठीक है। सबसे पहला सवाल तो ये है, जितने भी बच्चे खड़े हैं इनसे मुख्तलिफ सवाल करेंगे, लेकिन पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए, अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। ठीक हो गया, जान भी हाजिर है। अच्छा, नेबर कंट्री जो इंडिया, उसके बारे में क्या सोच रखते हो? इंडिया के बारे में ये तो वो सोचते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसा कभी भी नहीं सोचा। अच्छा, आपको किसने कहा कि वो ये सोचते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं? कहाँ से देखा या कैसे पता चला? ये उनके मौशी तालुकात। ये देखें, ये वीडियो है, मैं इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया यूएई में, दुबई में। वो देखें क्या कहते हैं। पाकिस्तान इज अ नाइस प्लेस, ओनली इज अ प्रॉब्लम बिटवीन द गवर्नमेंट्स। वो ये बोल रहे हैं की पाकिस्तान जो उनसे एक ब्यूटीफुल कंट्री है, और मतलब हमें उनसे उस तरीके से दुश्मनी नहीं रखनी। हमें भी नहीं है। जबरदस्त, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी हमारी भी जो सोच है वो बदल रही है। हमारी और उनकी सोच एक ही है। सोच एक ही है तो फिर ये 76 साल से दुश्मनियाँ कैसे हैं? ये बस दुश्मनियाँ जो है, ये हमारे सियासी क्या? इधर आ गया क्या कहना चाह रहे हो आप? कह रहे हो सोच बदल गई है कि सोच है, वो कह रहे हैं कौन चोर है? नवाज शरीफ चोर है। और भाई मैं इंडिया के बारे में पूछ रहा हूँ, इंडिया का गांधी चोर है। नहीं, किसी को ऐसे नहीं कहते। अब वो हमें कहें कि कायदे आजम ऐसे हैं, फिर नहीं कायदे आजम नहीं ऐसे, वो मानते हैं। अच्छा, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इनसे मजीद बात करेंगे। मुझे ये बताओ, नाम क्या है? मोहम्मद सुलेमान। इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? इंडिया पहले हमारा ही मुल्क था, बरसगीर। अच्छा, हम मुसलमान और हिंदू इकट्ठे ही रहते थे। ठीक है, और कुछ ऐसे बीच में जो कहते हैं खराब लोग थे, जिन्होंने हमारे अंदर इख्तलाफ डाला, लड़ाई डलवाई और मुल्क लैदा हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब है पहले मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मुसलमान और हिंदू अभी इकट्ठे रह सकते हैं? अब तो जैसे एक मिनट जी, इसके ऊपर दादा भी पहले हिंदू थे, फिर मुसलमान। आप इधर आए, आपका नाम क्या है? जहाँ जेब भाई, आपके अब्बू का क्या नाम है? आरफ। और उनके अब्बू का? हाजी भूटा गुजर। और उनके अबू का? खुशी मोहम्मद गुजर। और उनके अबू का? उनके अबू बलि। बताना ये नहीं कि सिर्फ बताने बताने के, यानी आप शुरू से ही मुसलमान हैं? शुरू से मुसलमान ही मुसलमान। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? शुरू हुई ना 1947 की। अच्छा, इनके दादा बू होगा ना, हमें बूढ़ों ने बात बताया, इनके दादा बू को रख लिया था इधर, जब वो मारने आए थे ना, तब इन्हें संदूक में इसके दादा बू को डाल के रख दिया। ठीक है, बाद में फिर इनकी नजर चली थी। ठीक है, जो जमीन मिली ना, फिर वोटिंग हो गया जमीन की, उनमें से फिर 10 किले इनके। अच्छा, इसका आप कहना का मतलब है इसके दादा वो डर के मुसलमान हो गए? फिर डर के, फिर उनका दिल की यहाँ मुसलमान लगा, फिर वो मुसलमान हो गए। ठीक हो गया, चले ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और भी जो बच्चे मौजूद है उनसे बात करेंगे। मुझे ये बताए, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसा लगता है कि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, तल्लुक बेहतर हो गया? क्यों नहीं, हम नहीं कर रहे उनकी आवाम के, उनको बड़े लोगों ने आवाम के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा नफरत डाल दिया। उनको ये लगा था पाकिस्तान उनके लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन है। ये हमारे संसदान जो है ना, जैसे हमारे बड़ों ने हमें बताया कि इंडिया वाले आपके दुश्मन है, ये वो है। अच्छा, हमारे बड़ों ने, आप कह रहे हैं हमारे टीचर्स ने ये बताया कि इंडिया वाले दुश्मन है, लेकिन आपको लगता है कि ये सोच बदलने की जरूरत है? आपको लगता है कि हमें दुश्मनी किसी भी, इंडिया हो, चाइना हो, अफगानिस्तान, हमने तो बदलने की कोशिश की, जैसे हमने अभिनंदन को वापस भेज दिया, उन्होंने उस को मार दिया। नहीं, उन्होंने कब मार दिया? उन्होंने मार दिया उसको। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे कि जैसे ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारे बड़ों ने बताया कि इंडिया दुश्मन है या ये चीजें हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये सियासतदान भी हमारे यही करते हैं, हमारे टीचर, ये गलत, ये काम गलत है। हमारे बाहरी के मुल्क में ना ऐसे साथ बॉर्डर हो ना, वो फ्रेंडशिप होती है, जाए आए, कोई मसला नहीं होता। यूरोप की अगर बात करें, हाँ, इधर इधर इंडिया चले जाए, एक मिनट क्या कर रहे हैं कश्मीर के साथ, क्या कर रहे हैं? अगर आपके अख्तियार में होता तो आप क्या करते? किसके मतलब, कश्मीर का? भाई मेरे अख्तियार में अगर होता ना, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे साइड में, एक मिनट मुझे मौका दे, हमारे अख्तियार में होता तो सबसे पहले जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वहाँ पे हम एजुकेशन देते, वहाँ पे हेल्थ देते। आपको पता वहाँ पे कितने स्कूल और कॉलेज है? इधर लाहौर में पढ़ने आते हैं बेचारे वो। आप इसकी सेहत देखिए और इसके काम देखिए। अच्छा, और इधर ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। सॉरी गाइस, हम और नहीं देख सकते, हमसे ये जाहिलियत यार कसम से नहीं बर्दाश्त हो रही।
हैट्स ऑफ टू सोहेब चौधरी भाई, कैसे बर्दाश्त कर लिया ट्रीटमेंट हम नहीं देख सकते सीरियसली। मतलब इतना क्रिंज किस्म के बच्चे, इतने घटिया किस्म के बच्चे, सच बताओ बच्चे हम कहीं गए कैसे थे, आए हमारा भी अच्छा मूड था, अच्छा मूड था, सारे मूड करके रख दिया। सबसे पहली बात हमारी एजुकेशन का मयार हमें इधर से पता चलता है। इंडिया की एजुकेशन उन्हीं बच्चों से इन्होंने लिया था, सेंसिबल बच्चे थे। हमने कितने इंडिया के तरीका, हमने कितने इंडिया के इंटरव्यूज देखे हैं, कितने तमीज से। सबसे पहली बात, इनको इनके वालदैन ने भी नहीं बताया किस तरीके से किससे बात कैसे की जाती है, इनको इनके टीचर्स ने नहीं बताया कि किस तरीके से बात की जाती है, इनको किसी बड़ों ने ये नहीं बताया कि यार जब वो शुरू में उसने बोला है ना कि यार अभिनंदन को उन्होंने मार दिया, इन्होंने कुछ देखा सुना है नहीं, जिस तरीके से लोगों से सुना है वही बता। इंडिया पाकिस्तान से आजाद हुआ है, हाँ इंडिया पाकिस्तान से आजाद हुआ है, ये करने वाली बात। और फिर मैंने बोला ना ये बुक्स में हमारी लिखा हुआ था, ये तभी वो ये बुक्स की जुबान बोल रहे हैं। मैंने तुम्हें बोला ना ये नाइन्थ में कैसे पहुंच गए, मैं इसमें हैरान हूँ। इंडिया की तीसरी क्लास के बच्चों से पूछो ना, वो आपको साइंस की और क्या क्या बातें करेंगे। इनसे पूछो, अब इनके जहन ही गंदे है भाई, इनके जहन इतने गंदे। देखो देखो मुझे नहीं लगता हम 30 साल तक और अपने बच्चों को ये जिस तरह का ये जो फ्यूचर आ रहा ना हमारा, हाँ तो वाकई फ्यूचर हमारा सही ब्राइट रखा हुआ, ये बच्चे सही ब्राइट। अगर ऐसा रहा तो भाई अक्ल डालो यार, माँ बाप को भी चाहिए थोड़ी अच्छी सेंसिबल रहना, कोई तमीज सिखाओ इन बच्चों को। ये तो भाई घुंडे हम कहते हैं बच्चे जो है ना एजुकेशन हासिल करते हैं। हम लोग पता है क्या बोलते हैं अक्सर, हम वीडियोस में बोलते हैं कि यार इनको एजुकेशन की जरूरत है, ये तो इनको एजुकेशन के साथ साथ एथिक्स और संस्कार की जरूरत है। घर वाले संस्कार बच्चे को कैसा देते हैं, इसकी भी इनको जरूरत है। हमारे बच्चे होते हैं कि रख रख के मारते और ऐसा ही सेट होते हैं ना, फिर इनको पता लगता किसी से बात करने का पहले ढंग से तरीका नहीं आता। बात करने का मुकाबला करोगे इंडिया का तुम लोग, कागज फेंक रहे हैं, वो कहता है उसकी डब्बे में लेकर आए थे, नस्ल तब बढ़ी है, ये इनकी बातें करने की डब्बे में लाए थे, चेक करो इनकी बातें सुनो, बंदे को उल्टी आती है। मैं तो क्रिंज, मैं देखी और नहीं जा रही थी मुझसे। आपको जैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो हर बार।